Assalamualaikum everyone, मैं रेबका आप लोगों को वेलकम करती हूँ रेबकास किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की है। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज बनाना सिखा रही हूँ ड्राई चिली पनीर। बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी बनती है रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम्स पनीर है, ये होममेड पनीर है, ये मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये 1 टेबलस्पून मैदा है, नॉर्मल मैदा, इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ पनीर के ऊपर। और ये 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, कॉर्न स्टार्च या अरारोट आप इसे कह सकते हैं। अब हल्के हाथ से करेंगे इसे मिक्स ताकि पनीर अच्छे से कोट हो जाए। और मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है मीडियम लो फ्लेम पर। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। दैट्स इट, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको करेंगे स्प्रेड। और ये जो पनीर हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे में कोट किया हुआ है, एक्सेस कॉर्नफ्लावर मैदा डस्ट करने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई मीडियम लो फ्लेम पर। पनीर में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, मैंने चूल्हा कर लिया बंद। एक दफा करूंगी टॉस, दैट्स इट, और प्लेट पे इसे निकाल देंगे। अब इसकी सॉस रेडी करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मज़े की चीज़ें डलती हैं। अब मैंने ये एक पैन लिया हुआ है और मैंने मीडियम लो पे फ्लेम रखा हुआ है। इसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल ऑयल पे यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून जितना। दैट्स इट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर दिया है क्योंकि सॉस इसका बहुत ही जल्दी से बन जाता है। 1 मिनट तक हमें अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये एक बड़े साइज का प्याज है जिसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है, ये जा रहा है इसमें। इसके अलावा मैं ये डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, इनको मैंने कट नहीं लगाया क्योंकि बहुत तेज है। अगर आपके पास दूसरी वाली हरी मिर्च है तो आप इसको कट भी लगा के डाल सकते हैं। और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये मेरे पास 1/2 लाल वाला शिमला मिर्च है और 1/2 ग्रीन है। अगर आपके पास 1 शिमला मिर्च है किसी एक कलर का तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको भी मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। तो प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को पकाएंगे हम मीडियम हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि हर एक का ब्राउन कलर है और इसमें क्रंच भी हो। हल्का हल्का ब्राउन हो गया है प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि मैं सोया सॉस भी यूज़ करूँगी तो उसमें भी नमक होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं फ्रेश ब्लैक पेपर क्रश करके डालती हूँ। दैट्स इट, इसको मैं टॉस कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, 1 से 2 टेबल स्पून केचप, अच्छे से उतार लेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून हनी, 5 चीज़ों का मिलने। अच्छा, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून पानी।
ठीक है जी, इसको कर रही हूँ मैं अच्छे से मिक्स। ये कौनसा नीचे बैठ जाता है और अब ये डालेंगे। और मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये अच्छे सा थिक हो जाए। हमारी ग्रेवी अच्छी सी थिक हो चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। इसको करेंगे एक दफ़ा मिक्स एंड दैट्स इट। अब ये ज़बरदस्त सा जो हमने फ्राई करके पनीर रखा था ये जा रहा है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी मैं, ताकि मसाला जो है पनीर पे अच्छे से कोट हो जाए। ड्राई चिली पनीर रेडी हो गया। मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और बड़ा ही खूबसूरत सा इसका रेड कलर आया है एंड ग्लॉसी एंड शाइनी इसका सॉस इसके ऊपर कोट हुआ है। तो अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। इस ज़बरदस्त से ड्राई चिली पनीर को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हाजिर होंगी एक नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, फिट रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।